हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक माय नेम इज माई आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों हम लास्ट uh, लेक्चर में हमने किया था कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड आज का लेक्चर हम करने वाले हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ठीक है हमने लिया है तीन से चार चार क्वेश्चन हमने लिया है इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है एवरेज स्पीड होता है क्या समझेंगे उस चीज़ को ठीक है हमने मैंने आपको बता दिया था लेक्चर जीरो फोर में आप किस तरह से स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मैंने बताया था ग्राफ किस तरह आप पहचान सकते हो और किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लो प्ले में जाकर या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो आप लेक्चर देख सकते हो और इस लेक्चर में हम करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलासिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास तो बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा बस रिवीजन में करा करा देता हूं आपको पहले बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है देखिए एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बच्चों होता है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस पूरे जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ठीक है ये जो टाइम है टोटल टाइम होना चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्लियर है और इसी तरह एवरेज वेलासिटी तो एवरेज वेलासिटी हो जाएगा बच्चों टोटल डिसप्लेसमेंट टोटल डिस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम देखो डिस्टेंस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है आपका और डिसप्लेसमेंट है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ठीक है चलिए अच्छा आपके पास अगर डिसप्लेसमेंट नहीं है देखो हमें पता है वेलोसिटी दो तरह का होता है पहला तो होता है इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं जब जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया मूव करना वो वो हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी और रुकने से पहले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं final velocity. Final velocity. हम फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बट जो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से स्मॉल यू और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से ठीक है मान लो किसी जर्नी में ऑब्जेक्ट के पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं ठीक है डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बट हमें पता है किस वेलासिटी के साथ उसने डिस्टेंस को कवर किया है तो इस केस में एवरेज वेलासिटी का इस केस में एवरेज वेलासिटी का फॉर्मूला बन जाएगा यू प्लस वी u प्लस वी मैं u इस तरह से लिखूंगा ठीक है ताकि आप v और u में कन्फ्यूज़ ना हो जाओ तो v और u v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू तो ये बन जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी कब जब आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरा चीज़ अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तब वेलोसिटी कैसे चेंज होना चाहिए यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी जर्नी में तो उस केस में आप यूज करोगे यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू वाले डिस्प्लेसमेंट गिवन है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है तो उस केस में आप यूज करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्लियर है और एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन ये सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है आज ठीक है चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अ बॉय वॉक्स थ्री मीटर ईस्ट देन टू मीटर वेस्ट इन टू सेकेंड्स तो हम ईस्ट वेस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ईस्ट वेस्ट मैंने डायरेक्शन बता दिया था आपको ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है इधर चलिए देखते हैं अ बॉय वॉक्स थ्री मीटर ईस्ट सपोज बॉय यहाँ से स्टार्ट करता है अपना जर्नी ए से ये गया थ्री मीटर ईस्ट यहां तक गया ये बी मान लेते हैं हम ये डिस्टेंस कितना कवर किया ये थ्री मीटर ईस्ट देन टू मीटर वेस्ट ये इधर जा रहा है बॉय सबसे पहले ये लड़का ईस्ट की तरफ जा रहा है ये ईस्ट है और ये है वेस्ट तो यहां से गया ईस्ट उसके बाद टू मीटर वेस्ट तो यहां से वापस कितना आया सपोज यहां से आया ये टू मीटर ये रहा उसका टू मीटर वेस्ट इस डायरेक्शन में ठीक है टू मीटर वेस्ट और थ्री मीटर ईस्ट ईस्ट गया थ्री मीटर्स वहां से वापस रिटर्न हुआ टू मीटर्स फाइंड यस टू मीटर्स वेस्ट इन टू सेकेंड्स एंड थ्री सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली जब ये थ्री मीटर्स गया तो कितना टाइम लिया टू सेकेंड्स का टाइम लेता है ये और टू मीटर्स जाने के लिए कितना टाइम लेता है थ्री सेकेंड्स का टाइम लेता है यही है ना ठीक है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलासिटी तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है देखो यहाँ से गया यहाँ तक तीन फिर वापस आया इस पॉइंट को मान लो यहाँ पर वाप, वापस आता है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी ए से बी गया बी से वापस सी आ रहा है तो तीन इधर गया और दो वापस आया पाँच हो गया तो थ्री प्लस टू यही होता है ना थ्री प्लस टू टोटल डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कितना टोटल टाइम तो पहले तो लेता है दो सेकेंड फिर लेता है तीन सेकेंड तो दो प्लस तीन ये हो गया फाइव डिवाइडेड बाई फाइव विच इज इक्वल टू वन स्पीड है मीटर पर सेकेंड देखो एवरेज स्पीड का वैल्यू है वन मीटर पर सेकेंड क्लियर है अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी वह जो वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट देखो और फाइनल पॉइंट देखो इनिशियली ये दिस व, ये लड़का इनिशियली इस पॉइंट पे था ये हो गया इसका इनिशियल पोजिशन और फाइनली अभी इस पॉइंट पर है तो ये हो गया इसका फाइनल पोजिशन ठीक है तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच कितना डिस्टेंस है बताओ ये है आपका पूरा का पूरा तीन और यह है आपका दो तो यह कितना हो गया तीन माइनस दो कितना हो जाएगा वन मीटर्स बोलो समझ आ रहा है यह है तीन यहां से यहाँ तक और यहां से यहां तक है दो तो तीन माइनस दो ये यह हो गया वन मीटर तो हम निकाल सकते हैं अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टोटल टाइम बच्चा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए सी ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है वन मीटर तो वन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक जाता है तीन यहाँ से यहाँ तक आता है यहाँ से यहाँ तक जाता है दो सेकंड्स में यहाँ से यहाँ तक आता है तीन सेकंड्स में तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा फाइव तो ये हो गया वन बाई फाइव मीटर पर सेकेंड देखो टाइम चेंज नहीं होगा यहाँ पर जो टाइम ऊपर था वही टाइम नीचे होगा ठीक है इसी टाइम के लिए आप डिस्टेंस भी निकाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल रहे हो यहाँ से यहाँ तक था दो सेकेंड्स में कवर किया यहाँ से यहाँ तक किया था

ही गोज फ्रॉम एक्स टू वाई एक्स से दिस पोजिशन एक्स ले लेते हैं और यह पोजिशन को ले लेते हैं वाई एक्स से वाई जाता है ठीक है एक्स से वाई अ मैन गोज फ्रॉम एक्स टू वाई विथ वी वन जब यह यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका स्पीड है वी वन वी वन स्पीड के साथ मूव कर रहा है एंड रिटर्न फ्रॉम वाई टू एक्स विथ स्पीड वी टू यहां पहुँचने के बाद वापस रिटर्न होता है किस स्पीड से वी टू क्लियर है वी वन स्पीड से जाता है और वी टू स्पीड से आता है क्लियर है एट वी टू स्पीड फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड फाइंड एवरेज स्पीड बच्चों अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या टाइम के बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया है तो इस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन दोनों फार्मूलेज में हमारे पास होना चाहिए टाइम क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और टोटल टोटल डिस्टेंस बाय टाइम डिनोमिनेटर में जो तो टाइम है तो हमारे पास टाइम तो गिवन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्या क्वेश्चन गलत है नहीं क्वेश्चन बिल्कुल सही है देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों सबसे पहले आप ये देखो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा जिस पॉइंट से ये जाता है उसी पॉइंट पर ये वापस आ गया पहला अपना डिस्टेंस स्टार्ट किया पहले वी वन से स्पीड से यहाँ से यहाँ तक गया और वापस उसी पोजिशन पर वापस आ जाता है तो डिसप्लेसमेंट तो ज़ीरो हुआ ना एक केस में डिसमेंट डिस्ट, क्या है इसका फर्स्ट केस में इसका डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बिकॉज एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी में ऊपर डिस्प्लेसमेंट आता है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो मैंने बताया था लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा ठीक है क्योंकि ये वैलासिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वैलासिटी भी पॉजिटिव आने वाला है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वैलासिटी भी नेगेटिव आने वाला है डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलासिटी भी जीरो क्लियर है तो फर्स्ट का आंसर तो हमें पता चल गया एवरेज वेलासिटी तो जीरो होगा इस केस में सेकंड एवरेज स्पीड क्या होगा अब एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा बिकॉज एवरेज स्पीड में आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यही तो होता है टोटल टाइम तो ध्यान से देखो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा हम मान लेते हैं एक से वाई तक का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं दैट x से y तक का डिस्टेंस x है बिकॉज कुछ भी गिवन नहीं है हमें हम अपने मन से मान लेते हैं x से लेकर y तक का डिस्टेंस है x तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक गया x फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आता है तो x तो कितना हो गया x प्लस एक्स x, क्योंकि डिस्टेंस x को दो बार ट्रैवल कर रहा है और टाइम हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा टी वन इधर जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसको टाइम लगा टी टू तो टोटल टाइम हो जाएगा टी वन प्लस टी टू बोलो ये कर सकते हैं हम टाइम है टी वन एक्स से लेकर वाई तक जाने के लिए और वाई से लेकर वापस एक्स तक जब ये आता है तो उसे टाइम लेता है टी टू हम अज्यूम कर रहे हैं खुद से तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू लिख सकते हैं इस तरह से अब देखिए अब यहां पर खेल शुरू होगा एक्स प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों टू एक्स डिवाइडेड बाई टाइम हमें टाइम नहीं पता हमने खुद से माना है टी वन और टी टू जाने के टाइम टाइम जाने के वक्त टाइम लेता है टी वन और आने के वक्त लेता है टी टू तो स्पीड ट... का जो फॉमूले है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यही तो होता है है ना यहाँ से टाइम का फॉमूला आ जाएगा यहाँ से टाइम का फॉमूला क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड तो t1 हमने क्या माना है x से लेकर y तक का डिस्टेंस है ना x से लेकर y तक जो टाइम लगता है उसे हमने माना है t1 तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है x से y तक x ठीक है नीचे स्पीड होगा किसका स्पीड टाइम t1 के लिए स्पीड क्या था टाइम t1 है यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा इसके लिए स्पीड है वी तो एक्स डिवाइडेड बाई वी लिख सकते हैं उसी तरह टाइम टी हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वी टू टी टू हो जाएगा वाई से लेकर x तक का डिस्टेंस और जितना टाइम लिया है जितना स्पीड जि, जो स्पीड था इसका वाई से लेकर x तक वाई से एक्स तक जब ये आता है तो इसका स्पीड होता है वी टू और टाइम लेता है टी टू तो टी टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टी वन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड अब यहाँ से अब यहाँ से हम LCM ले सकते हैं और एल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वी वन इंटू वी टू ठीक है ये क्या है देखो वी वन वी टू इसका एल्शियम हो जाएगा वी वन इंटू वी टू तो यहाँ पे आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू वी टू प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू वी वन डिवाइडेड बाई वी वन इंटू वी टू कैसे एल्शियम ने पता है ना समझ आ रहा है ना यहाँ पे होना चाहिए वी वन इंटू वी टू सिर्फ वी वन प्रेजेंट है तो वी टू मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर आ जाएगा वी टू एक्स और नीचे आ जाएगा वी वन वी टू देखो वी वन वी टू नीचे आया ऊपर आया वी टू एक्स और यहाँ पर वी टू है वी वन नहीं है तो वी वन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, पे तो भी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वी वन एक्स इंटू वी वन और नीचे वी वन इंटू वी टू अब इस पूरे वैल्यू को ऊपर ले जाओ वी वन वी टू इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा वी वन प्लस v2 बोलो समझ आ रहा है देखो जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो नीचे ये बचेगा x v2 टू प्लस एक्स वी वन एक्स वी टू प्लस एक्स वी वन में तो कॉमन है x बाहर आ गया अंदर बचा v2 टू प्लस वी वन तो v1 वन प्लस वी टू लिख सकते हैं इसे अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये x और ये x कट जाएगा कट गया क्या बचा देखो क्या बचा टी वन वी टू डिड बाई टी वन वी टू डिड बाई वी वन प्लस v2 तो एवरेज स्पीड यही हुआ बच्चों यही आपका हुआ आंसर ठीक है देखो स्पीड आपको गिवन था हमने टाइम का टाइम टाइम का जरूरत है क्या यहां पे टू ट्वाइस इंटू वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू और यही आंसर होगा इस एवरेज स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ट्रेवल करता है किसी वेलोसिटी से और वापस उस पॉइंट से वापस पहले वाले पॉइंट पे आता है किसी वेलोसिटी से तो उसका एवरेज स्पीड आएगा ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू इस फैक्ट को इस डेटा को याद रखो देखो इसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस वाइज भी सॉल्व करके देखो और डायरेक्टली ये इस फॉर्मले से भी सॉल्व करो आपको याद हो गया ये फॉर्मुला अगर याद हो गया तो सॉल्व करोगे नहीं याद हुआ है, तो एक बार फिर से इसे देख लेना ठीक है रब करें ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम यहां पे लिख देते हैं ठीक है थीके? इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है वेलोसिटी होगा ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिडेड बाई वी वन प्लस V2 टू इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर निकाल करके टिक करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी एग्जाम्स में क्या है आंसर ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिविव बाई वी वन प्लस वी टू अब देखो वी वन कुछ भी दे दे आपको टू दे दे फोर फाइव सिक्स कुछ भी दे सकता है उसी तरह वी टू आपको कुछ भी दे दे एट नाइन टेन कुछ भी डायरेक्टली वी वन और वी टू का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा एवरेज स्पीड ध्यान देना एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा इस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो यहाँ आएगा एवरेज स्पीड चलिए क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर निकाल कर कमेंट करोगे डायरेक्टली इस फॉर्मुला में डालकर पुट करो देखो आंसर और पूरा प्रोसेस से सॉल्व करो देखो यही आंसर आएगा ठीक है चलिए ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर A man covers half distance at v1 and remaining at v2. Find the average speed. चलो half distance cover कर रहा है ना चलो हम मान लेते हैं हमारा point A और B के बीच वो distance है जो इसे cover करना है यहाँ से यहाँ तक कुछ distance है ठीक है इस पूरे distance को हम suppose कर लेते हैं assume कर लेते हैं पूरा का पूरा distance है x kilometers clear है पूरा का पूरा distance है x kilometers ठीक है km, बोल रहा है हाफ डिस्टेंस कवर करता है V1 से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर करता है V2 से देखो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब x का हाफ क्या होगा हम मान लेते हैं ये इसका हाफ डिस्टेंस से सेंटर पॉइंट है x का हाफ हो जाएगा x बाई टू यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x बाई टू और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x बाई टू ठीक है हाफ डिस्टेंस कवर किससे करता है वी वन से और हाफ डिस्टेंस कवर करता है वी टू से मतलब जब ये यह यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना तो इधर आगे बढ़ता है वेलोसिटी वी वन के साथ सी तक मूव करता है और सी पे आ करके ये अपना वेलोसिटी वापस से चेंज करता है वी टू करता है और फिर हाफ डिस्टेंस कवर करता है ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आपसे पूछ रहा average speed. Average speed है फाइंड द एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड पूछा है आपसे तो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए वही फॉर्मला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अच्छा देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारा x बाई टू प्लस एक्स बाय टू करके आ रहा है आ रहा है ना x बाई टू करके आ रहा है तो अगर हम इसे x लेकर बनाए तो चलेगा हम अगर मान लें x बाई टू क्योंकि फ्रैक्शन में ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए हमारा इक्वेशन उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इस पूरे डिस्टेंस को 2x ले लेते हैं अपने मन अपने मन से हम मान लेते हैं a से b तक डिस्टेंस हमारा 2x है तो a से लेकर c तक का डिस्टेंस हो जाएगा x और v v2 टू सॉरी सी से लेकर b तक का डिस्टेंस हो जाएगा x समझ आ रहा है टू टू एक्स का हाफ़ टू एक्स का हाफ होगा x और इधर हो जाएगा x x प्लस एक्स क्या होगा टू एक्स ठीक है चलिए निकालते हैं सबसे पहले प्रोसेस वाइज जाएंगे सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम अब यहाँ भी देखो यहाँ भी टाइम के बारे में कोई बताया कुछ बताया नहीं गया कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास टाइम कितना होगा टाइम कहाँ है नहीं पता नहीं पता हमें सिर्फ हमें डिस्टेंस पता है और हमें पता है so, हमें डिस्टेंस भी नहीं पता हमें पता है सिर्फ वेलोसिटी क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वह डिस्टेंस तो हमने खुद से माना है अपने आप से तो हम टाइम को भी अज्यूम कर लेते हैं लेट द टाइम टेकन For this half distance be t1 and for this half distance be t2. First half फर्स्ट हाफ़ या टी वन टाइम में कवर करता है और दूसरा हाफ टी टू hai में यह कवर करता है ठीक है चलिए तो टोटल डिसप्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा देखो total distance हो जाएगा टू एक्स टोटल डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टू हो जाएगा टोटल टाइम टेक एन टोटल टाइम हम लिख सकते हैं पहला टाइम है टी वन और दूसरा टाइम है टी टू तो हम लिख सकते हैं टी वन प्लस टी टू क्लियर है ना T1 वो टाइम है जिस टाइम में इस ऑब्जेक्ट ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया A से C तक और T2 वो टाइम है जिस टाइम में इस ऑब्जेक्ट ने C से लेकर B तक x डिस्टेंस कवर किया है नाउ दिस इज 2x एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड ओके टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस कितना है टी वन के लिए डिस्टेंस है एक्स और स्पीड कितना है टी वन के लिए स्पीड है वी वन प्लस टाइम टू टी टू के लिए डिस्टेंस है एक्स और स्पीड है वी टू क्लियर है इतना चलो फिर से हम वही काम करेंगे एल लेते हैं एल लेंगे तो एल बच्चों इसका आएगा वी वन इंटू वी टू यहाँ वी वन ऑलरेडी है वी टू लाना है यहाँ पे तो वी टू लाने के लिए हम नीचे भी वी टू मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वी टू मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वी टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वी टू डिवाइडेड बाई v1 वन प्लस वी लास्ट में लिखेंगे x इंटू वी टू प्लस यहाँ वी है v1 वन मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे v1 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा v1 x एक्स इंटू वी वन होल डिवाइडेड बाई वी वन इंटू वी वन इंटू वी टू ये रहा एल आपका v1 वन इंटू वी अब ये v1 v2 वी टू को ऊपर ले जाते हैं ट्वाइस ऑफ x इंटू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई नीचे आ गया x कॉमन v2 टू प्लस v1 वन यहाँ से एक एक्स यहाँ से एक एक्स कट गया आंसर क्या आया देखो आंसर आया ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस V2 जैसा आंसर आपका पहले आया था वैसे ही आंसर यहां भी आया मतलब बच्चों यहां पे चाहे ऑब्जेक्ट कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो चाहे हाफ आधा आधा तोड़कर दो पार्ट्स में कवर कर रहा हो ठीक है या ध्यान देना दो पार्ट्स में तीन पार्ट्स में नहीं तीन पार्ट्स में कवर करेगा तो ये फॉर्मुला चेंज हो जाएगा फिर तो दो पार्ट्स में क्योंकि आपसे तीन पार्ट्स में जा, नहीं पूछेगा क्वेश्चन मैं उसे मुझे पता है वो इलेवंथ का टॉपिक आ जाएगा तो या तो आपसे पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप में या फिर आपको बोले उसी डिस्टेंस को तोड़ करके हाफ डिस्टेंस कुछ स्पीड से हाफ डिस्टेंस कुछ और स्पीड से जैसे ये क्वेश्चन है तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप या तो इस प्रोसेस वाइज जा सकते हो अगर आपके स्कूल बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरह प्रोसेस में बनाओ ठीक है सारा वैल्यूज रख करके अगर आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में नहीं आपका कॉम्पिटिशन में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में में पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चन तो आप इतना लंबा प्रोसेस यूज नहीं करोगे आप सिंपली इस को उठाओगे वैल्यूज पुट करोगे वी और वी का और टिक करोगे और आगे बढ़ोगे ठीक है तो इसका भी आंसर देखिए क्या आ रहा है इसका भी आंसर आ रहा है ट्विस्ट ऑफ वी वन वी टू डिड बाई वी वन प्लस वी टू देखो दोनों आंसर मैच मैच कर रहा है दोनों मैच कर रहा है टू ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिडेड बाई वी वन प्लस वी टू ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिडेड बाई वी वन प्लस वी टू क्लियर है अगर वैल्यू दे देता मान लो मान लो ये दे देता थ्री मीटर पर सेकेंड है और ये v2 है आपका 5 मीटर पर सेकेंड तो आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा तो इसी फॉर्मुले में इसी फॉर्मुले में आप वैल्यू पुट करोगे ट्वाइस इंटू वी वन कितना है देखो 3 और v2 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस फाइव सिम्पली आ गया ना आंसर 2 इन थ्री इंटू फाइव डिवाइडेड बाई फाइव सिक्स सेवन एट तो ये आ गया आपका थर्टी डिवाइडेड बाई एट मीटर पर सेकेंड देखो सिंपल सा बन गया ना सिंपली तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये याद ये आपको याद होना चाहिए ये याद होना चाहिए इसका जनरल फॉर्म है ये ठीक है ये एक फॉमूला भी फॉर्मूला की तरह याद करो इसे कुछ फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन में कौन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो कुछ फैक्ट्स को याद करके जाओ तुरंत टिक करोगे निकालोगे आगे बढ़ोगे ठीक है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको फैक्ट्स याद होना चाहिए तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद भी होना चाहिए अगर फैक्ट्स याद याद है तो आपको ये भी याद रखना है कि ये आया कहाँ से सपोज आप बैठे एग्जाम में आपके पास इतना प्रेशर है आपके सर में कि आप भूल गए पूरा का पूरा फॉर्मूला तो फॉर्मूला कहां से आया है आपको ये प्रोसेस भी याद होना चाहिए क्लियर है तो बच्चों ये थे चार क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे ये क्वेश्चन मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया इसी तरह इसी फॉर्म में ये जो टू एंड फोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फोर है ना इसी फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आ, आपके साइड बुक्स में जो आप प्रेफर करते हो आप जो भी साइड बुक्स प्रेफर करते हो उनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बस देखना क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अलग अलग रहते हैं तो आप वैल्यूज पुट करके सारा का सारा आंसर निकाल लोगे ठीक तो है तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है ठीक है और एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड आई होप अब आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है देखो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है थोड़ा लेंदी हो जाता है तीस मिनट का वीडियो बन जाता है फोर्टी मिनट्स का वीडियो बन जाता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट अच्छा हो ठीक है ऐसा नहीं कि देखो आप बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखोगे जहाँ आपको बोला जाता है कि 20 मिनट में मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लो एक घंटे में मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लो तो ये सारे वीडियोस में आप खुद से सोचो जब मुझे एक लेक्चर बनाने में 40 मिनट्स 15 मिनट्स लग रहा है बस एक टॉपिक समझाने में तो कोई किस तरह एक घंटे में पूरा का पूरा मोशन चैप्टर कंप्लीट कर सकता है तो ऐसे वीडियोज़ मुझ मैं तो बोलूँगा आपको अवॉइड किया करो मत देखा करो क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे वो वीडियोज़ देखोगे और आपको लगेगा कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा आपका कंसेप्ट बना ही नहीं बस आप छोटा वीडियो देख करके आप उस वीडियो को देखते हो लेंथ छोटा देख रहे हो और उसके बाद जा रहे हो वीडियो देखने तो ऐसा मत क्या करो आपको कंसेप्ट बनाना है आपको कंटेंट चाहिए तो लेंथी वीडियोज़ देखा करो उस वीडियो ले जाए क्योंकि अब भाई हम लोग बकवास नहीं कर सकते हैं एक घंटा तक कोई खड़ा होकर के बकवास नहीं कर सकता ठीक है अब बकवास करना है तो पाँच मिनट दस मिनट बीस मिनट तो का, काफ़ी है तो हम लोग बकवास नहीं कर सकते ना एक घंटे एक घंटे खड़े होकर के हम पढ़ाते हैं यहाँ पे जो कंटेंट हम यहाँ दे रहे हैं आप एक बार कंटेंट देखो पढ़ाई करो नोट्स नोट्स बनाओ और उस नोट्स के साथ आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो चाहे आप एन उठा लो चाहे आप ओलंपियाड उठा लो चाहे आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट अच्छे स्कूल का नोट्स उठाकर एक बार मैच कर लो आपको फोर श्योर ज़्यादा ही नोट्स मिलेगा ज्यादा ही क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे कम कभी नहीं मिलेगा आपको तो ट्रस्ट करो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करो और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और बेहतर कर, करता जाऊंगा सारा वीडियोस को सारा कंटेंट और बेस्ट कंटेंट्स डालने का को कोशिश करूंगा इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए एंड हैव अ गुड डे ऐड थैंक यू